हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग मिस्ट्री एंड को। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टेरेज़ो सीरीज़ की एक नई एपिसोड के साथ जो है आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो टेरेज़ो के जो हमने डिज़ाइन अपलोड किए उनको बहुत ज़्यादा जो है उसकी जो है हमें प्रीजाई जो है की आपने, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप उनका जो वेट कर रहे हैं। दोस्तों, जो है वो क्रिगड़ाई का जो प्रोसेस है वो भी जो है वो इन हो चुका है। प्रोसेस जून जो है वो होता जाएगा, हम उसकी वीडियो जो है अपलोड जो है करते जाएंगे। दोस्तों, वैसे जो हमने जो है वो जो जो डिज़ाइन जो है वो आपको अपलोड की है उनकी ईच एंड एवरी थिंग जो है हमने आपके साथ जो है शेयर की है कि फ़र्श को जो है उसका जो है लेवल जो है वो किस तरह जो है निकालना है, उसके बाद जो है फ़र्श के ऊपर जो है उसकी पट्टी फिटिंग जो है वो किस तरह जो है करनी है, उसके बाद जो है वो फ़र्श को कच्चा कैसे करना है, और जब फ़र्श जो है कच्चा हो जाए तो उसके बाद जो है उसके अंदर जो है वो चिप्स की भराई यानी चिप्स फिलिंग जो है वो किस तरह जो है करनी है। तो टेरेज़ो के हवाले से ईच एंड एवरी थिंग जो है हमने आपके साथ जो है वो अपलोड की है, तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको जो है वो हमने आपके साथ जो शेयर किए। अब जब रगड़ाई का प्रोसेस जो शुरू हो गया तो इसमें भी दोस्तों जो है स्टेप्स होते हैं, जैसे जैसे जो जो स्टेप जो है क्लियर होते हैं हम आपके साथ जो शेयर करते जाएंगे, और आपको जब आपने रगड़ाई करवानी है तो किन बातों को मद्देनज़र रखना है इन बातों को भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपके सामने जो है वो डिज़ाइन नंबर 6 जो है उस पर रगड़ाई का प्रोसेस जो है शुरू हो गया है। तो ये हम बताते हैं कि ये रगड़ाई का प्रोसेस जो है वो हमने कैसे जो है किया। सबसे पहले जो है मेटल डायमंड टूल जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे T1 या T1 के नाम से जो है जाना जाता है। आमतौर पर ये वटियाँ जो है वो दो तरह की होती हैं, ये पत्थर की भी बनी होती हैं, एलोए और पीतल की भी जो है वो बनी होती हैं। जो पत्थर की जो बटियाँ होती हैं वो आमतौर पर हम जो है मार्बल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ तक जो है चिप्स की बात है, तो यहाँ पर जो है वो जो फर्श है वो काफ़ी ऊपर नीचे जो है हुआ होता है, पत्थर जो है वो थोड़ा सा बाहर भी जो है निकला होता है, इसलिए इससे इसकी कटाई जो है ज़्यादा जो है मार्बल के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होती है। इसलिए यहाँ पर लोहे या पीतल की जो बटियाँ जो इस्तेमाल होती हैं, ताकि जो उस पत्थर को सही तरह जो है वो कटाई कर सके और तमाम जो फर्श है वो पूरी तरह जो है वो लेवल में जो है वो आ जाए। इसलिए जो हम यहाँ पर जो है वो इन जो T1 का जो है इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसकी रगड़ाई अच्छी और मुनासिब हो सके। दोस्तों, जो है T1 का जो इस्तेमाल जो हम जो शुरू कर रहे हैं, इस टिप से जो है हम पूरे फर्श की जो है कटाई करेंगे। ये एक मुश्किल जो है वो अमल होता है, और जो है हमें जो है बार बार जो है वो जो है मशीन को जो है वो इस्तेमाल जो है करना पड़ता है, और इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो है वो जो मशीन है वो किसी एक जगह ज़्यादा जो है देर ना रहे, क्योंकि ये जो बटियाँ होती हैं अगर हम ज़्यादा देर जो है एक ही जगह पर इस मशीन को करेंगे तो वो नीचे जो है गड़ा यानी कि जो है वो ज़्यादा जो है वो वहाँ से कटाई हो जाएगी, वहाँ पर पानी जो है रुकेगा। इसलिए मुसलसल इसे हरकत में रखते हैं, ताकि जो है वो मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता कटाई का और बाद का तुम्हें थोड़ा सा उठा के जो है मशीन को जो है रखना पड़ता है। तो इस तरह ये जो सारे फर्श की कटाई का प्रोसेस जो है वो जारी है। जो है ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो साथ ही हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो हमें जो है ये 6 नंबर जो डिज़ाइन जो हमने डाला था वो किस तरह जो है नज़र आता है, ये हम आपको जो है वो आपके साथ जो है शेयर करते हैं।